फाउंडेशन की दूसरी शुरुआत बींग इंडियन एंड टीम फैग के साथ है, जिसमें वोमेन आर्ट्स की पहली गैलरी लगाई गई है। ये फाउंडेशन, ये एनजीओ भारत देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सुदूर जगहों पे शिक्षा के अभाव से वंचित या जिस बच्चे के अंदर जो टैलेंट्स है, प्रतिभा है, उसको हम लोग निकाल के बड़े शहरों तक, लोगों तक ला के पहुँचाते हैं। फेमिनाइन आर्ट गैलरी एक नई शुरुआत है महिलाओं के उत्थान के लिए, जो आर्टिस्ट हैं, फीमेल आर्टिस्ट, जो कि स्ट्रगल करती हैं अपने आप को स्थापित करने के लिए या अपने आप को प्रूव करने के लिए। नारी फाउंडेशन का फुल फॉर्म है न्यू एज रेवोल्यूशन इन इंडिया, और हम उसको सार्थक करना चाहते हैं, इस हमारे नारी फाउंडेशन की मीनिंग को, कि जितनी भी महिलाएं हैं और अब टैलेंटेड लोग हैं, उनको हम सपोर्ट कर सकें और उनकी कला को एक प्लेटफॉर्म दे सकें। और मैं उन सबको आमंत्रित करता हूँ, जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं और वो चाहते हैं अपने फीमेल आर्टिस्ट अपनी कला को अगर लेके जाना चाहती हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम इन फेमिनाइन आर्ट गैलरी। फर्स्ट एग्जीबिशन है ये फेमिनी आर्ट गैलरी की उन्स, जिसमें ये मेरी पेंटिंग एग्जिबिट हुई है। और इस पेंटिंग का मेन थीम है, मैं अपने मेमोरी स्केप को पेंट करती हूँ। एक्चुअली वॉट एवर आई, मेरे माइंड में जो इमेज बनती है, जो मैं देखती हूँ चीज़ों को, और जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस होता है, उस चीज़ को मैं कैनवस के ऊपर एक कॉन्शियस और सब कॉन्शियस जो मेरी मेमोरी है, एक्सपीरियंस है, उस चीज़ को डिपिक्ट करती हूँ, जो कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है बेसिकली। और मूड के हिसाब से और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी कुछ चीज़ें जो मेरे माइंड में सेट हो जाती है, कुछ कहीं ऑब्जेक्ट भी उसमें मैं ऐड करती हूँ, और कभी कभी वो पूरा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में ही आ जाता है, जो इंस्टेंट निकलता है मेरे अंदर से, जो फीलिंग होती है आर्टिस्ट की, वो चीज़ निकल के आती है कैनवस के ऊपर। मैंने इसमें स्प्रिंग्स से काम किया है। स्प्रिंग्स आपको पता होगा कि स्प्रिंग का जो नेचर है वो बढ़ना है, तो जैसे कि फीमेल्स ने मैंने ये यूज़ किया है, जैसे आपने देखा होगा बाइक में शॉकर यूज़ करते हैं हम लोग, तो शॉकर होता है कि बाइक में जो लगता है शॉकर, तो वो हमारी गाड़ी तो चल रही है लेकिन जहाँ पे शॉकर ऐड हो जाता है तो हम बहुत इजीली जा सकते हैं। तो इस तरीके से एक लेडी भी हमारी लाइफ में काम करती है, जैसे कि मैंने इसमें स्प्रिंग्स लगाई हैं, तो एक एज ए शॉकर टाइप से मैंने इनको दिखाया है। फेमिनी आर्ट गैलरी जो है एक नई गैलरी है, जो कि फेमिनिज्म और फीमेल आर्टिस्ट को जो है एक्सपोजर दे रही है, प्रमोट कर रही है। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने अपना काम यहाँ पे एग्जिबिट किया है, और यहाँ पे बहुत सारे फीमेल आर्टिस्ट का वर्क लगा हुआ है जो कि आप देख रहे हैं। तो इसमें काफ़ी न्यू आइडियाज़ शो किए फीमेल आर्टिस्ट ने, इसे ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड फॉर अदर फीमेल आर्टिस्ट। और हम आर्टिस्ट जो भी इनसे जुड़े हुए हैं, हमें भी एक आगे जाके एक और अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और अपने वर्क को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सके हम लोग। बेसिकली ये तो मेरे पर्सनल लाइफ पे ही बेस्ड है ये पेंटिंग। इसमें मैंने एक खुद का पोर्ट्रेट बनाया है, जो मैंने फील किया है कि एक जो बाउंड होती है एक लड़की के लिए, कि एक बीइंग अ वूमन की आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, सोसाइटी में आपको ऐसे रहना है, ये करना है, वो करना है, काइंड ऑफ थिंग्स। एंड आई होप कि ये आगे भी होता रहेगा और हम सब इसके पार्ट रहेंगे। पेंटिंग्स का शौक तो मुझे बचपन से ही था, और धीरे धीरे मैंने ये पाया कि मुझे थोड़ा सा एक अलग स्टाइल करना है अपनी पेंटिंग्स में। तो आप देखेंगे मेरी पेंटिंग्स में कि मेरा एक अलग थोड़ा स्टाइल है, डॉट डॉट, जो कि मैं एक सीरीज़ में एक थीम में लेके काम कर रही हूँ। और मेरा जो एक थीम है, मैं एक वुमेन और नेचर को मैंने अपना एक थीम बनाई है, जिसको लेके मैं काम कर रही हूँ। इस पेंटिंग में मैं सिटी लाइफ को दिखा रही हूँ, जो पेंटिंग सिटी में जो लोग हैं वो क्या क्या फेस करते हैं, कैसे रहते हैं, तो उनके सामने क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और क्या मतलब कलरफुल भी है तो वो सिटीज़ में ऑब्वियसली खुश भी रहते हैं और सैड भी, तो
यही मेरी पेंटिंग जो है वो दिखा रही हूँ मैं इस गैलरी का. और बीइंग इंडियन, नारी फाउंडेशन का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस ऐसा मौका दिया कि हमने अपनी पेंटिंग को यहाँ पे एग्जिबिट किया. और बस मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ इस गैलरी को, फेमिनी आर्ट गैलरी. इस पेंटिंग में मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि हमें जो पावरफुल होता है, बिकॉज आप वर्क में देखेंगे कहीं ना कहीं लाइफ सर्कल चलता है, लाइफ सर्कल कभी भी नहीं स्टॉप होता है. लाइफ सर्कल्स हैं जो चल रहे हैं. आप मेरे कुछ वर्क्स में देखोगे, जैसे इसमें सर्कल्स हैं, तो ये लाइफ सर्कल्स हमेशा चलते हैं, लाइफ सर्कल कभी नहीं रुकेगा. Very good platform that I've got from being in an NARII foundation to showcase my skills over here, and I'm looking forward to more such exhibitions. Thanks a lot, NARII foundation and being Indian. बेसिकली मेरी पेंटिंग नारी के ऊपर ही लेके होता है, जैसे कि लेडीज़ को एज अ मेल पर्सन या हमारी सोसाइटी तीखी मिर्ची कह के इंडिकेट करती है. तो मेरे इस पेंटिंग में लेडीज़ को मैंने एज अ तीखी मिर्ची फॉर्म दिया, पर हम ये भूल जाते हैं कि उस लेडीज़ के भी अपने कुछ ड्रीम है, उसके भी अपने सपने हैं, उसके अपने विंग्स हैं जिसके थ्रू वो उड़ना चाहती है. बट हमारा ये समाज उसको एज अ तीखी मिर्ची इंडिकेट करती है. बींग इंडियन नारी फाउंडेशन का मैं बहुत ही दिल से शुक्रगुजार करती हूँ जिन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया कि मैं अपनी पेंटिंग को यहाँ प्रेजेंट करूँ, अपने थॉट्स को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूँ. आई एम थैंकफुल टू नारी फाउंडेशन एंड बीइंग इंडियन. दे हैव प्रोवाइडेड मी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू शोकेस माय क्रिएटिविटी. मैं प्रोफेशन से एक इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ, बट आई थिंक कि क्रिएटिविटी इज अनस्टॉपेबल. So this is one of the ways which I think I have done to express myself. These are ceramic flowers, and through these I have showcased my creativity. मैं मधुबनी पेंटिंग 8-10 साल से कर रही हूँ. मेरी जो इसमें स्पेशल है ये मेरा लाइन पेंटिंग है. इसमें मैं कलर भी करती हूँ मैं, लेकिन लाइन पेंटिंग जो है वो मेरा स्पेशल बेस है. और मैंने अभी ये फेमिनी आर्ट गैलरी ज्वाइन किया है. ये मुझे लगता है मतलब इसमें ज्वाइन करने से बहुत अच्छा होने वाला है. आप जो भी चाहें इसको सपोर्ट करें, ये बहुत इसको आगे बढ़ाएं और ये बहुत आगे बढ़ेगा. मेरा सब्जेक्ट है नेचर विद लव. मैंने अपनी पेंटिंग्स में वुमेंस और मैन दोनों को दिखाया है और विद नेचर को दिखाया. और इसके साथ में मैंने जो इनकी जो फॉर्म्स क्रिएट की है वो ज्योमेट्रिकल शेप्स को लेकर और एक्रेलिक में और टेक्सचर में मैं वर्क करती हूँ. फीमेल आर्टिस्ट का इसलिए हम लोगों ने शो किया क्योंकि इसके पहले हम लोग क्यूरेट कर चुके हैं, 2-3 ग्रुप शो कर चुके हैं हम लोग, स्टेनलेस आर्ट गैलरी और नेक्स्ट अर्पणा आर्ट गैलरी. और ये थर्ड है फीमेल आर्टिस्ट का कि काफ़ी आर्टिस्ट जो हैं इसमें पे नहीं कर सकते हैं. जैसे फीमेल है, मेल जो होते हैं वो अपना जॉब हो गया या फ्रीलांस काम करके अपना पे करके सोगरा करते रहते हैं. फीमेल आर्टिस्ट का ये है कि वो कहीं भी अपना काम सेपरेट कर नहीं सकती है, तो इसलिए हम लोग ग्रुप में एक फीमेल आर्टिस्ट का एक ये गैलरी ओपन किया है ओनली फॉर फीमेल आर्टिस्ट का ही शो करने के लिए. और आगे हम लोग वर्कशॉप हो गए हैं, शो वगैरह हो गए हैं, सारे चेंज कॉलेज के स्टूडेंट हो गए हैं, सारे हम लोग इसमें मिक्स करके कराते हैं.